हेलो दोस्तों, एम आर सी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सपेंशन बल्ब रिलेटेड है। रेफ्रेशन साइकिल में मुख्य चार पार्ट्स होते हैं, जैसा आपको मालूम है। चार पार्ट्स कौन कौन से होते हैं आपका, ये हो गया फर्स्ट कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन बल्ब एंड एवेपरेटर। तो इसके पहले ऑलरेडी हम कंप्रेसर के बारे में फुल डिटेल्स बता दिए हैं, आज हम एक्सपेंशन बल्ब के बारे में जानेंगे। आज हम इसके बारे में, एक्सपेंशन बल्ब के बारे में, एक्सपेंशन बल्ब कितने तरह के होते हैं, एक्सपेंशन बल्ब का क्या काम है, और जो भी एक्सपेंशन बल्ब हैं वो किस तरह से काम करते हैं, ठीक है, उसके बारे में एक एक करके पूरा डिटेल्स हम जानेंगे, ठीक है, उसको हम आपको बताएंगे। तो आप अभी शुरू से वीडियो देखें और लास्ट तक देखें तो आपको बहुत कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। और जहाँ डाउट्स होगा आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम टाइम को डिले नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन बल्ब। तो अभी जो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम में सात तरह के एक्सपेंशन बल्ब यूज होते हैं, देखे ना, सेवन टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन बल्ब, ठीक है। ये एक्सपेंशन बल्ब का क्या काम है, कैसे काम करता है, ये कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट एंटरिंग द एवेपरेटर, मतलब कि ये एवेपरेटर में रेफ्रिजरेंट को एंटर करने के लिए जब इंटर होता है, जैसे ये लगा कहाँ पे होता है मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। ये लिक्विड कंडेंसर के बाद लिक्विड लाइन निकलता है, लिक्विड लाइन और एवेपरेटर का पहले ये बीच में लगा हुआ रहता है एक्सपेंशन बल्ब। तो एक्सपेंशन बल्ब वही है कि जो रेफ्रिजरेंट आता है ना उसको कंट्रोल करता है और जरूरत के हिसाब से एवेपरेटर में फीडिंग कराता है, मतलब जरूरत के हिसाब से एवेपरेटर को देता है वो। दूसरा ऐसा क्या करता है, टू मेंटेन द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन कंडेंसर एंड एवेपरेटर। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपका लिक्विड लाइन में जो प्रेशर का जो स्टेटस होता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सब कुछ लिक्विड सिचुएशन कंडीशन में होता है। तो जैसे ही एक्सपेंशन बल्ब के पास आता है तो एक्सपेंशन बल्ब उसको क्या करता है, लो प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब प्रेशर लो करता है क्योंकि वो पतला ऑरिफिस के जरिए पार कराता है ना, तो लो प्रेशर में जैसे ही उसको कन्वर्ट कराता है तो टेम्परेचर भी उसका डाउन हो जाता है। तो वहां पे जो सिचुएशन हो जाता है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर सैचुरेटेड वेपर कंडीशन में हो जाता है, ठीक है। तो ये दो मतलब मेन इंपॉर्टेंट है, टू मेंटेन द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन कंडेंसर एंड एवेपरेटर के बीच का वो डिफरेंस को मेंटेन करता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट को मेंटेन करता है, एक ही चीज हो गया। तो अभी एक्चुअल में एक्सपेंशन बल्ब को बहुत तरह नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। आपसे अगर किसी तरह से क्लाइंट वगैरह या कहीं इंटरव्यू वगैरह के लिए जा रहे हैं तो आपसे बहुत तरह से क्वेश्चंस घुमा के पूछा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि जो भी क्लाइंट आता है तो क्लाइंट स्पेशलिस्ट ऐसा नहीं होता है कि वो एयर कंडीशनिंग से आ रहा है। वो क्लाइंट जब आता है इंटरव्यू लेने के लिए तो आपका बहुत सारा ट्रेड का इंटरव्यू लेता है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक का ले रहा है, इलेक्ट्रिकल का ले रहा है, एसी का ले रहा है, ठीक है, मैकेनिकल में पंप टेक्नीशियन का ले रहा है, अदरवाइज जो भी इंजीनियर का ले रहा है। तो एक स्पेशलिस्ट नहीं है कि आपको जो एसी का ले रहा है, तो बहुत सारा नाम से जाना जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको क्या नाम जाना जाता है, एक्सपेंशन बल्ब एक हो गया, दूसरा रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस, ये दो हो गया, तीसरा मेटरिंग डिवाइस, चौथा कैपिलरी ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। मेटरिंग डिवाइस आप नया सुने होंगे या जान रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ये मेटरिंग डिवाइस, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस, एक्सपेंशन बल्ब एंड कैपिलरी ट्यूब, ये चार नाम से भी इसको जानते हैं। तो क्लाइंट अगर मान लिया, क्लाइंट को जो लिस्ट मिला है, चाहे वो नेट से सर्च करके चाहे जो भी उसको रिकॉर्ड मिला, उसको मेटरिंग डिवाइस मिल गया, आपसे पूछ रहे कि मेटरिंग डिवाइस का क्या काम है, तो आपको मेटरिंग डिवाइस का अगर आइडिया नहीं है तो आप नहीं बता सकते हैं। लेकिन जो कि आपके एक्सपेंशन बल्ब के बारे में मालूम है कि एक्सपेंशन बल्ब का क्या काम है, आपको अच्छे से पता है, उसका आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आप नाम से वाकिफ नहीं है, नाम से नहीं जान रहे कि यार मेटरिंग डिवाइस किसको बोलते हैं, तो आपको वहां पे जो है आपका डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो क्लाइंट को तो मालूम नहीं है। एसी का आदमी रहेगा तो पूछ देगा, सोचेगा कि यार मेटरिंग डिवाइस नहीं मालूम है तो इसको एक्सपेंशन बल्ब पूछते हैं, तो आप एक्सपेंशन बल्ब के बारे में बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर वो नया आदमी है, वो सभी के लिए एक चार्ट बना के लेके आया है लिमिटेड क्वेश्चंस, अगर उसमें उसको मेटरिंग डिवाइस या रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस अगर नहीं मिल गया, अगर वो पूछ दिया तो आप क्या करेंगे, आपको नहीं हो पाएगा। तो फिर उसके बाद आपको इसलिए मालूम होना चाहिए कि मेटरिंग डिवाइस भी उसी को बोला जाता है, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस को। तो मेटरिंग डिवाइस के बारे में बता सकते हैं कि मेटरिंग डिवाइस का क्या काम है, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस का काम है, क्वेश्चन किसी तरह से पूछ सकता है। हो सकता है आपको सैलरी कम लगाने के लिए या किसी तरह से अपना बजट ये करने के लिए आपको घुमा करके क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब एक ही क्वेश्चन को बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। तो आपको बस जस्ट उसको बता देना है कि अगर आपको मालूम है उसके बारे में तो
तो अभी आपका सेवन टाइप का, अभी चलिए इधर जानते हैं कि सेवन टाइप का एक्सटेंशन वर्ब होता है, जिसमें ये आपने देखा दो मुख्य इसका प्रोसीजर है। पहला इसका हैंड ऑपरेटेड एक्सटेंशन वर्ब होता है, ठीक है ना, ये अभी तो नहीं यूज किया जाता है, ये बहुत पुराना मॉडल है, पुराना सिस्टम है, ये इसको यूज किया जाता था। ये हैंड ऑपरेटेड से समझ में आ रहा है, जैसे आप देखे होंगे ना ये किस तरह से नल खोलने वाला, तो ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर यूनिट में लगाया जाता है, जहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर है कि मतलब परमानेंट रिक्वायरमेंट उतना है, तो वहां पर ये लगाया जाता था, इसको मैनुअली कंट्रोल किया जाता था, समझ गया ना, ये मैनुअली कंट्रोलर होता था। तो इसके लिए अभी ये नहीं हो रहा, अभी सब ऑटोमेटिक सिस्टम आ रहा है। मैनुअली में क्या है, इसके लिए टेक्नीशियन चाहिए, इंजीनियर चाहिए, उसको जरूरत के हिसाब से खोल बंद करने के लिए, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है तो ये अभी तो फिलहाल यूज नहीं देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा है ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है ना, ये ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व जो है ये प्रेशर पे काम करता है, ठीक है, ये प्रेशर पे काम करता है, जिस हिसाब से सक्शन लाइन का प्रेशर बढ़ता घटता है उस हिसाब से ये रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंशन वाल्व के जरिए रेफ्रिजरेंट इंटर करता है एवेपोरेटर के अंदर, ठीक है, तो ये प्रेशर पे काम करता है, ये आप जानिए। तीसरा हम रखे हैं थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व, इसका क्या काम है, इसका काम ये है, जैसा कि आपको थर्मो से मालूम चल रहा होगा कि ये टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर पे काम करता है, टेम्परेचर मतलब ये सक्शन लाइन का जो टेम्परेचर रहता है उसके हिसाब से ये काम करता है, टेम्परेचर पे ये काम करता है। फिर ये लो साइड फ्लोट वाल्व, हाई साइड फ्लोट वाल्व, ये जो है ना फ्लोट वाल्व से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि आप देखे होंगे कहीं पे पानी नहीं का लाइन में फ्लोट वाल्व लगा रहता है, या कूलेंट डोर में खास करके लगा रहता है, जब पानी का इन आउट ऑटोमेटिक पानी का लेवल आने का, तो ये एक्चुअल में लिक्विड लेवल पे काम करता है, ये बड़े यूनिट में लगाए जाते हैं, समझ गए ना, ये आपको ज्यादा टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन का सिस्टम में ये आपको मिलेगा। तो उसमें क्या है, लिक्विड का लेवल मेंटेन, लिक्विड का लेवल के हिसाब से कंट्रोल कराता है, उसमें जिधर ज्यादा कम ज्यादा रहेगा तो ऑटोमेटिक वो फ्लोट वाल्व डाउन अप होएगा, तो उस हिसाब से काम करती है, दोनों का वही फंक्शन है, ठीक है। कैपिलरी आप देखे होंगे अपना विंडो में, घर पे विंडो में, या उसके हिसाब से कैपिलरी हो गया, ये एक्चुअल में साइज के हिसाब से लेंथ पर डिपेंड पड़ जाता है, फिर इसका ऑरिफिस छोटा करता है उसके हिसाब से, ये समझिए तो फिक्स टाइप है, इसका कोई नहीं है, एक पतला लगा दिया वो मोटर लाइन आ रहा है कंडेंसर से, उसके बाद ये अपना पतला लगा करके उसके बाद रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करता है, डाउन कर देता है ना प्रेशर को, मेन काम तो एक्सपेंशन वाल्व का वही है कि रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करता है। तो ये फिक्स टाइप, इसको आप ले लीजिए फिक्स टाइप ये होता है। सातवां लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व, ज्यादातर अभी आपको ये देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व का क्या काम है, ये एक्चुअल में सुपर हीट पे काम करता है, सुपर हीट का मैं वीडियो भी नहीं बनाया हूँ, तो सुपर हीट का वीडियो भी मैं जल्दी बनाऊंगा, ठीक है, तो आपको ज्यादा क्लियर है, लेकिन आप नॉर्मली जान लीजिए कि सक्शन लाइन का टेम्परेचर होता है और सक्शन प्रेशर टेम्परेचर, वो दोनों के बीच को कैलकुलेट करके सुपर हीट निकाला जाता है। तो ये आप जानिए कि इलेक्ट्रॉनिक, और उसके बाद क्या है इंटीग्रेटेड सर्किट, इसके जरिए माइक्रो प्रोसेसर में जाता है, माइक्रो प्रोसेसर इसको कमांड मिलता है कि हाँ कितना अपना रिक्वायरमेंट है हमारे रेफ्रिजरेंट एवेपोरेटर में, कितना चाहिए नहीं चाहिए, उस हिसाब से ये ओपन एंड क्लोज करता है अपना इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है। तो ये सुपर हीट पे हमारा काम करता है, इसका ये काम है। तो ये हमारा सातों था एक्सपेंशन वाल्व के बारे में, और सुपर हीट का भी नेक्स्ट वीडियो हम बना देंगे, और दूसरा और हम स्टार डेल्टा एंड पावर का ये आपको फुल डिटेल्स आपको बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, क्योंकि हमारा इस तरह से रिलेटेड एसी से रिलेटेड रेफ्रिजरेशन सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर किसी तरह से कोई डाउट रह जाता है, किसी तरह से कुछ क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत कुछ समझाना पड़ता है तो बहुत सारा कुछ छूट भी जाता है, तो इसके लेकर भी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, हो सकेगा तो कमेंट्स में रिप्लाई कर देंगे, नहीं तो उसके ऊपर एक पूरा वीडियो बना देंगे। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा वीडियो देख करके। चले फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, चले तब अपना ख्याल रखें।